तो भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज मेरा वीडियो करने वाला था इकोनॉमी 5 एपिसोड 5, लेकिन मैं कर नहीं पाया, करना नहीं चाहता हूँ, करूँगा दिस वीडियो के बाद, ये वीडियो के बाद। क्यों? मुझे लगा आदमी सब नेगेटिवली सोचने लगा, एवरीवेयर देयर इज ए नेगेटिविटी, यू नो। तो दिस वीडियो विल बी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। कैसे? हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आना चाहिए। जैसे हर चीज के दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, और ऐसा भी चीज नहीं है, कोई काम नहीं है जिसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन ये दिमाग की कमी होता है जो उसमें पॉजिटिविटी मिल नहीं रहा है, आदमी को मिलता नहीं है। यही तो इंटेलिजेंस है। क्या इंटेलिजेंस है? हर चीज में पॉजिटिविटी देखना, निकालना, निकाल के देना। ये निकालने के लिए दिमाग होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। नहीं होता है आदमी के पास तो उल्टा सीधा बकने लगता है, और नेगेटिविटी हवा में, एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाता है। उससे क्या होता है, ब्रेन का जो सेल है ना, वो सिकुड़ जाता है, मतलब सिंकिंग, इट इज़ नॉट फ्लरिशिंग, वो खुलता नहीं है। तो आदमी बुद्धू बन जाता है, बुद्धू बनाता है, मतलब हेल्पिंग अदर्स टू बिकम फुल। तो मैं आज दो एग्जाम्पल दूंगा मेरा खुद का, लाइफ का। ये जो मेरे को देख रहे हो, ये मैं एक जमाने में अच्छा बोलता था, फ्लुएंटली, एंड माई माउथ वॉज वेरी स्वीट, एंड मैं क्लास में जो अंग्रेजी जब बोलता था तो इतना स्पीडली बोलता था, प्रोफेसर लोग कहता था प्लीज अब्दुल, आप रिपीट योर क्वेश्चन। ये था, दोस्त लोग भी कह रहा था अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हो, फ्लुएंटली, ठीक ठाक, बस बढ़िया चल रहा था। लेकिन बीच में मेरे लाइफ में, ये मेरा जो टांग देख रहे हो ना, बहुत सारे चीज मैं उसको ठीक से रोलिंग नहीं कर पाता था। क्यों? बिकॉज ऑफ बैड हैबिट। व्हाट बैड हैबिट? बिकॉज ऑफ द सरकमस्टेंसेस और कंडीशन सराउंड मी। ये लोग मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए एटमॉस्फेयर तैयार ही नहीं करता था। मेरा अंग्रेजी उन लोगों को चुभता था, तो इतना ईगो प्रॉब्लम है, इवन कि इंग्लिश टीचर वो भी कहता था, अभी भी कहता है, बांग्ला है बोलो। अरे यार, ये लोग मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं देता था, और अभी भी बोलने नहीं दे रहा है, कहता है मुझे मालूम नहीं है, पता नहीं है। अरे उसका ठीक कर लेके रखा हूँ मैं, चलो वो बात तो एक वीडियो में बोल चुका हूँ। तो फिर बीच में मैं शेयर मार्केट करता था, जैसे इतना उसमें फोर्स लगाया था मैंने, एवरी सेल लाइक हिप्नोटिज्म, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी एंगेज्ड इन इंट्राडे शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट। तो मेरा जो ये टंग है ना, टंग, ये मेरा चलना बंद कर दिया था, और ये भारी हो गया था, इसको रोलिंग नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया था। अभी भी है, थोड़ा बहुत है, आदमी बोलेगा तभी ना। उस वक्त 24 आवर्स मैं चुपचाप रहता था, और इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग मेरा सब कुछ गल जा रहा था। तो मेरा टंग भी रोल नहीं कर रहा था, मूवमेंट नहीं कर रहा था, कम कर रहा था। अभी भी थोड़ा बहुत पता चलेगा जो कैसे कभी कभी काम नहीं करता है। लेकिन ये मेरा ये ऑब्स्टकल हुआ ना, बहुत बड़ा ऑब्स्टकल है। तो इसको मैं पॉजिटिव कैसे बना सकता हूँ? इवन माई टांग इज नॉट मूविंग वेरी फास्टली एंड एज आई लाइक और एज द वर्ड्स रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस इंग्लिश। सो मेरा टांग काम नहीं कर रहा, मेरे को हेल्प नहीं कर रहा, बट स्टिल आई कैन टेक इन दिस सिचुएशन द पॉजिटिविटी। वॉट इज दैट पॉजिटिविटी? डू यू नो कैसे? बोले ये बता देता हूँ भाई, दिमाग है तो लगाओ, थोड़ा एक मिनट में दिमाग लगाओ, नहीं तो मैं फिर बोल देता हूँ। ये मैं कह चुका हूँ मेरे फैमिली में,
जो ये जो प्रॉब्लम आया ना, इस प्रॉब्लम में से मैं बाहर निकाल सकता हूँ और इसको पॉजिटिवली मैं देख रहा हूँ। आई शैल टर्न दिस नेगेटिविटी इन टू ए पॉजिटिविटी वन एंड गुड वन। हाउ कैन आई डू दिस? आई कैन। बोला हाउ? डू यू नो, जो आदमी टांग से बात करता है, हिंदी में करे और बंगला में करे और अंग्रेजी में करे उर्दू में करे, उसका जो जो स्वीटनेस है उतना अच्छा नहीं होता है, मीठापन उतना अच्छा नहीं होता है। आदमी को क्या कहाँ से बात करना चाहिए? फ्रॉम योर थ्रोट। थ्रोट, तो मेरा थ्रोट तो सही है, तो व्हेन एवर आई स्पीक इंग्लिश माय वर्ड्स कमिंग आउट फ्रॉम द थ्रोट, इट इज़ माय नेचुरल हैबिट, यू नो। दैट्स व्हाई आई नो नीड नो आई नीड नॉट और नो नीड टू रोल माय टंग ऑल द टाइम। I can just bring out the words, English word especially from the throat. ये बहुत अच्छा होता है और मेरा टांग हेल्प नहीं किया, लेकिन थ्रोट को यूज कर सकता हूँ और ये अच्छा बना सकता हूँ। ऐसा इमरान खान को जानते हो? इमरान खान वो थ्रोट से अंग्रेजी बोलता है, इसलिए लड़की लोग अट्रैक्टेड होता है। ये साइकोलॉजी है और बोल चुका है बहुत सारे लोग, लिख भी चुका है, लिखा है, मैंने पढ़ा है, इसलिए तो कह रहा हूँ। तो ये मैन कैन बी मोर अट्रैक्टिव व्हेन ही स्पीक्स फ्रॉम हिज थ्रोट, यू नो। तो मेरा टांग जब हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा थ्रोट को मैं यूज कर सकता हूँ। तो अच्छा हुआ ना, जब मेरा कोई अंग मुझे हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं उसको उस नेगेटिविटी में, उस बैड कंडीशन को मैं गुड कंडीशन में परिवर्तन कर सकता हूँ। इस तरह से आदमी को पॉजिटिविटी देखना चाहिए। बात समझ में आई? हर चीज में, इन एवरी एडवर्सिटी यू शुड नो द कंडिसिव एटमोसफियर। अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, ढूंढ के देना चाहिए, खुद की जीवन में ढूंढना चाहिए। इन एवरी एडवर्सिटी Opportunity is there. You have to turn the things. ये करने के लिए आदमी के पास intelligence होना चाहिए। जैसे एक example और देता हूँ भाई, वो है ये, यार क्या video बनाता है, ये हिंदी भी सही से नहीं आता है, बांग्ला भी बंगाली होके हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, क्या क्या नहीं करता है, ये छोड़ो यार बेकार, इसको देखो मत। मैं लगकर के बेकार हुआ नहीं है, मेरा वीडियो कभी बेकार नहीं हुआ, तुम्हारे लिए बेकार हो सकता है, मेरे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? ये करते हुए मैंने दो चीज़ सीखा। क्या सीखा? मेरे पास तीन बेनिफिट है, दो चीज़ सीखा। एक है फोटोग्राफी, दूसरी है वीडियोग्राफी। क्या बोला? फोटोग्राफी मैंने सीखा वीडियोग्राफी, और तीसरी बात है, ऐसे मैं जब से बोलने लगा ये वीडियो करने लगा तो मेरा टांग जो है ना वो थोड़ा सा स्विफ्ट, वो थोड़ा सा ज़्यादा लड़ने लगा, ठीक ठाक चलने लगा, ठीक है ना। तो थ्री बेनिफिट्स आई गॉट फ्रॉम दिस वीडियो व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। तो ये नेगेटिविटी में मुझे पॉजिटिविटी दिखाई देता है और हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाई देता है। जिसको नहीं दिखाई देता ना वो स्टूपिड है, फुलिश है, उसका जिंदगी बेकार नेगेटिविटी में भरा पड़ा रहेगा और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा भाई। और चीज़ नेगेटिविटी मत छड़ाओ, ये एक चार्ज्ड पार्टिकल्स के द्वारा एटमॉस्फेयर पे काम करता है और तुम्हारा दिल और दिमाग पे काम करता है, असर पड़ता है और ये रुखावट लाता है तुम्हारे जीवन में और तुमको यूजलेस नॉनसेंस आदमी बना देता है। सो एवरीवेयर सी पॉजिटिविटी, यू नो। दिस इज माई लेसन्स टुडे। This is my lessons I have learned and I convey to you. God bless you. Thank you. No more today.